जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही जल्द आने वाला है और जन्माष्टमी का त्यौहार के आने से है ना मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने लग गए कि दीदी आप बताइए कि है ना जन्माष्टमी की जो पूजा होती है वो किस तरह से की जाती है और अगर हम नई मूर्ति लेकर के आते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से की जाती है। देखिए अगर आप नॉर्मल डेज में लेकर के आते हैं मतलब कोई से भी दिन में अगर लेकर के आते हैं तो आपको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पूरे 5 दिन लगते हैं, 5 दिन का इनका प्रोसेस होता है इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का। लेकिन अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन लेकर के आते हैं कृष्ण भगवान को तो आप एक ही दिन के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का जो दिन होता है ना वो इतना पावन इतना पवित्र दिन होता है ना कि उस दिन अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो एक ही दिन में उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू ग्रंथों के अनुसार कि कोई भी अगर हम मूर्ति लेकर के आते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है। प्राण प्रतिष्ठा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा मतलब कि प्राण डालना, किसी मूर्ति के अंदर प्राण डाल देना। क्योंकि हम कहते हैं ना कि पत्थर में भी भगवान होता है, अब वही पत्थर से मूर्ति भी बनती है और वही पत्थर से शौचालय भी बनता है। तो जो आस्था होती है, जो विश्वास होता है, जो श्रद्धा होती है, जो हमारे अंदर भक्ति होती है, जो भावनाएं होती हैं उनके द्वारा ही हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग जो हैं वो कमेंट में पूछते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी होता है क्या। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मजे में होगी। पहली चीज़ तो मैंने बता दी कि अगर आप नॉर्मल डेज में करते हैं तो आपको 5 दिन तक ये प्रोसेस करना होगा, लेकिन आप जन्माष्टमी वाले दिन कर रहे हैं तो एक ही दिन में आप प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक अष्टधातु की भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति लेकर के आनी होगी। और उस मूर्ति का आप पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मूर्ति लेकर के आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा देख करके लेकर के आए मूर्ति, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनके कानों में छेद नहीं होता है तो हम श्रृंगार नहीं कर पाते हैं उनका, और श्रृंगार के बिना तो भगवान अधूरे से लगते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप अष्टधातु की भगवान श्री कृष्ण भगवान की पीतल की मूर्ति लेकर के आते हैं तो उनके कानों में छेद देखिए कि कानों में छेद है या नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि उनकी आइज जो है वो हम्बल हो, थोड़ी नम्रता लिए हुए हों आपके लिए, और साथ ही उनके चेहरे पे एक स्माइल हो, स्माइली फेस हो। तो इस तरह की कि आपको एक मूर्ति लेकर के आनी है। और पहली बात तो मैं ये वाली कहना चाहूँगी कि ना भगवान को हम नहीं लेकर के आते हैं, हमारे साथ भगवान चल देते हैं कि चल अब इससे हमें पूजा सेवा करानी है। जब उनको जिससे पूजा सेवा करानी होती है वो उन्हीं के घर में आते हैं। तो ये तो हो गई कि कैसी मूर्ति लेकर के आनी है, और अब जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठित कैसे करना है। सबसे पहले मूर्ति लाने के बाद में आप उनको है ना स्नान करा लीजिए साधारण जल से। उसके बाद में आप उनके फेस पर, उनकी आइज पर है ना एक पट्टी बांधिए, या तो रेड कलर की या फिर येल्लो कलर की पट्टी बांध दीजिए। उसके बाद में एक आप है ना भगोनी लीजिए, भगोनी लेने के बाद में उसके अंदर उन लड्डू गोपाल जी को आप बिठा दीजिए। भगोनी इतनी बड़ी लीजिएगा कि जो लड्डू गोपाल जैसे इतनी बड़ी भगोनी ले ली तो लड्डू गोपाल जी इतने से हैं तो इतनी बड़ी भगोनी ले ली, ताकि जब हम गेहूँ डालें, फल डालें, सब्जी डालें तो वो उससे कवर हो जाए, हमें भगवान जी को छुपाना होता है। तो आपने एक भगोनी ले ली, उसके अंदर लड्डू गोपाल जी रखा, उसके अंदर फिर हम धीरे धीरे कर करके यूँ मतलब गेहूँ को यूँ ले करके और उनके ऊपर यूँ डालते जाएंगे धीरे धीरे, पूरे आदर के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ में। सम्मान का आपके अंदर भाव होना चाहिए, साथ ही आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि आप जो है कर रहे हैं इससे आपके जो लड्डू गोपाल जी उनके अंदर प्राण आ जाएंगे और आप उनके जो भी रिश्ता आप उनके साथ में कायम करना चाहते हैं वो आपका रिश्ता उनके साथ में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको गेहूँ लेकर के उसके अंदर डालना है। तो अगर आप नॉर्मल डेज में कर रहे हैं तो आपको 24 घंटे के लिए आपको गेहूँ के अंदर रखना होगा। इसे बोलते हैं अनुवास, यानी कि जो लड्डू गोपाल जी उन्होंने अन्न में वास किया है। फिर दूसरे दिन आपको करना होगा शाकवास, मतलब कि सब्जियां लेनी होंगी। सब्जियां आप कोई सी भी ले सकते हैं, तरह तरह की सब्जियां ले सकते हैं, आलू, टमाटर, गोभी, कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको लड्डू गोपाल जी को रख करके उन सब्जियों से आपको कवर करना होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सब्जियां है ना काट कर नहीं डालनी है। जैसे आप आलू ले रहे हैं तो आलू को कट करके डाल दिया, ऐसे नहीं करना है, आपको साबुत आलू लेने हैं और साबुत ही डालने हैं, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद में तीसरे दिन आपको करना होगा फलों में वास कराना होगा, जिसे बोलते हैं फलवास। तो फलवास के अंदर आप कोई भी फल ले सकते हैं, एक तरह का फल भी ले सकते हैं कि खाली सेब सेब ले लिए, एप्पल एप्पल, या बनाना बनाना ले लिए यानी केले केले ले लिए, या फिर आप तरह तरह के भी ले सकते हैं, वैरायटी में कि सेब ले लिया, केला ले लिया, अंगूर ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं फल ले लिए, और उसे पूरा उनको ढक देना है। चौथे दिन आपको है ना
हम फूलों में वास कराना होगा, जिसे हम बोलते हैं पुष्प वास करना। श्री कृष्ण भगवान को हम पुष्पों में वास कराएंगे। पुष्प आप कोई से भी ले सकते हैं, गेंदे के फूल ले सकते हैं, गुलाब के फूल ले सकते हैं, या कोई से भी आपको जो फूल अच्छे लगते हैं वो आप ले सकते हैं। फूल जो है वो ताज़ा होने चाहिए और सुगंधित होने चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये 4 दिन तक इस तरह से प्रोसेस करना है। लेकिन अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 घंटे के लिए अन्वी वास कराना है, फिर उसमें से निकाल के फिर आपको 1 घंटे के लिए शाकवास कराना है, फिर उसके बाद में आपको 1 घंटे के लिए फलवास कराना है, उसके बाद में आपको पुष्पवास कराना है, अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन करते हैं तो। लेकिन अगर आम दिन कर रहे हैं तो आपको फिर पूरे 24 घंटे के लिए रखना होगा। जैसे अगर आपने सुबह के 6 बजे ये सब किया है तो फिर दूसरे दिन 6 बजे आपको चेंज करना होगा। तो भगोनी में जब आपने कृष्ण भगवान को रख दिया या फिर किसी भी बर्तन में आपने उसको उनको रखा है, उससे कवर करने के बाद में एक रेड कलर के कपड़े से उनको ढक देना है। अगर आपके घर में कोई मतलब, और ऐसी जगह रख दीजिए कि जहाँ पे आपके उनको कोई छेड़े नहीं, मतलब हाथ नहीं लगाए, उन्हें डिस्टर्ब ना करे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पंखे से या कैसे भी ये कपड़ा हट जाएगा तो आप उसे एक मोली से ना बांध भी सकते हैं कपड़े को, फिर खोल दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं उड़ेगा तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी प्रोसेस करना होता है। उसके बाद में आपको जब ये सारे चारों प्रोसेस हो जाते हैं, उसके बाद में आपको पंचामृत से स्नान कराना होता है। अगर आपके पुराने लड्डू गोपाल जी हैं तो आप जन्माष्टमी वाले दिन सिर्फ पंचामृत से स्नान करा लीजिए, इससे भी आपकी पूजा हो जाएगी। लेकिन अगर आप नए लड्डू गोपाल जी लेकर के आए तभी आपको ये प्राण प्रतिष्ठा वाली प्रोसेस करनी है, अन्यथा नहीं करनी है। अदरवाइज आपको ये वाली प्रोसेस नहीं करनी है। जब आप पुराने लड्डू गोपाल जी तो ये नहीं करनी होती, नए होते हैं तो ही करनी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार मुझसे ये वाली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर माइंड में आ रहा है तो आप वो भी है ना मेरे से पूछ सकते हो। अब आप बोलोगे कि जो ये गेहूं है या फल है या सब्जियां है या फिर जो भी हमने रखा है, जिसके अंदर भी हमने रखा है ये सारी चीज़ें, इनका हमें क्या करना है? तो देखिए, या तो आप मंदिर में दे आइए, या आपके आसपास में कोई ब्राह्मण रहता है तो उसको दे दीजिए, या आपके आसपास में कोई गरीब है तो आप गरीबों में भी दान कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप घर के अंदर ही प्रसाद स्वरूप बांट करके खा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये प्रोसेस कर सकते हैं। और आप फूलों की पूछोगे कि फूलों का क्या कर सकते हैं, तो फूलों को आप है ना गार्डन में उनको सुखा करके और जो आपके बाकी के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर डाल सकते हैं। खाद का बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है साधन तो आप मिट्टी के अंदर दबा करके भी रख सकते हैं। तो पुष्पों का आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था कि है ना लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से की जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगेगा कि है ना पट्टी बांधो आंखों पे, फिर उसके बाद में ना गेहूं में रखोगे, उनकी सांस घुटेगी। अगर आपके मन में जरा सा भी ये वाला भाव आ रहा है ना, तो फिर आप ये वाला प्रोसेस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फिर आप डायरेक्ट से पंचामृत से स्नान कराइएगा और आपकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हो जाएगी। क्योंकि जो मन में होता है ना वही मतलब भगवान क्या है, भगवान हमारे मन की आस्था है, विश्वास है। अगर आपको जरा सा भी ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये तो गलत बात है, भगवान को पट्टी बांध के उनको इस तरह से रख देना गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप डायरेक्ट आप पंचामृत से स्नान कराइए और उसके बाद में उन्हें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और उसके बाद में आप उन्हें आपके मंदिर में जो है एक प्रॉपर स्थान दीजिए, उनके सिंहासन लगाइए और उसके बाद में उनको वहाँ बिठाइए, और फिर आप उनकी पूजा जो है वो डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन जो पूजा होती है वो भी पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी प्रॉपर तरीके से करनी है तो आप इस तरह से करेंगे। और अगर आप ना जैसे किसी ब्राह्मण को या पंडित को बुला करके पूजा कराना चाहते हैं तो वो भी इसी तरीके से ही आपकी पूजा करेंगे। और ना लेकिन ये होता है कि हर कोई ब्राह्मण को पंडित को बुला करके ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता है, क्योंकि हर जिसकी अपनी अपनी एक है ना बजट होता है या फिर अपनी अपनी सुविधाओं को सब हर कोई देखता है। हर जगह ऐसा भी होता है कि हर जगह पंडित नहीं मिलते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसा कि माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बस यही था कि है ना इस तरह से आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।